किसान के बेटे ने कर दिखाया अद्भुत काम। जी हाँ, बाड़मेर के उंडू गांव के रहने वाले नरपत कुमार ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99% अंक हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है। नरपत ने गणित और विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और उनकी सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। मेरे 99% आए और मैं महाराज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में पढ़ता हूँ। दिन में 8-10 घंटे पढ़ाई करते स्ट्रिक्ट शेड्यूल के अनुसार, बाकी खेल समय और गतिविधि होती रहती है। नरपत कुमार ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और संकल्प दृढ़ हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले नरपत ने कड़ी मेहनत और नियमित अध्ययन से यह मुकाम हासिल किया है। उनके पिता धनाराम किसान और ट्रैक्टर चालक हैं, जबकि माता तीजो देवी एक हाउसवाइफ हैं। चार बहनों के इस इकलौते भाई ने 99% अंक के साथ जिले में टॉप किया है। पिताजी खेती करते हैं। अच्छा, और भी कोई काम धंधा करते हैं या फिर ट्रैक्टर थ्रेसिंग? नरपत कुमार के अंकों की बात करें तो उन्होंने हिंदी में 97, अंग्रेजी में 99, विज्ञान में 100, सामाजिक विज्ञान में 99, गणित में 100 और संस्कृत में 99 अंक हासिल किए हैं। यह सफलता उनकी नियमित पढ़ाई और मोबाइल से दूरी बनाए रखने का परिणाम है। नरपत ने महाराजा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हॉस्टल में रहकर यह उपलब्धि हासिल की है। नरपत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उनका सपना है कि वह UPSC की परीक्षा पास करके IAS बने और देश की सेवा करें। सर्वप्रथम मेरे माता पिता को दूंगा, उन्होंने कठिन मेहनत से मुझे यहाँ पर पढ़ने दी, और दूसरी बार मैं मेरे अध्यापकों को दूंगा, उन्होंने कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया है। और आगे क्या, कौन सा ऑप्शन लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स? साइंस बायो। इस प्रेरणादायक कहानी ने न केवल उनके परिवार को गर्व से भर दिया है बल्कि पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ा दी है। किसान के बेटे की इस अद्भुत सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।